गुड मॉर्निंग कपिल जी. मेरा नाम दिनेश है. सारे दिनेश जी एक ही जैसे क्यों होते हैं? अच्छा जी, आपको तो पता ही है कि आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में कितना ग्लैमर है, चीयर लीडर्स हैं, बट जो एम्पायर है वो हमेशा एक ही पोजीशन पे खड़े रहते हैं. उनके जो डिफरेंट आउट या वाइट या नो बॉल्स देते हैं, उनको देख के मैंने सोचा कि एक डांस फॉर्म बनाया जाए और वो कैसे लगेंगे डांस करके. कैसे, तो आई वॉन्ट, अगर हम मैं वहाँ आके. आइए प्लीज आइए सर. तो कैसे, मतलब इशारे कैसे? बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है. क्या बात दिनेश जी, शुक्रिया बड़ा. पसंद आया पार्थिव आपको? करवा दो. अच्छा है, करवा देंगे. एक दो अंपायर है वैसे जो करते हैं, ऐसे करते हैं ना, आपको होंगे ऐसे नाचने के शौकीन. मैसेज पास कर देंगे आपका, मैसेज भिजवा देंगे. शुक्रिया दिनेश जी, धन्यवाद. माइक ले जाइए सर. आपको एक बात बताता हूँ, एक बैट्समैन को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो आउट होता है. जब वो आउट हुआ और बाहर गया, उसके 5 मिनट तक उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है एक्चुअली. कि भाई वो उस टाइम पे ऐसा कोई नाच के उसको आउट दे रहा है, तो संदे जो है सर फोड़ने की बात हो रही है ना. जो अभी सर फोड़ने की बात हो रही है कि हो नहीं जाए, कि वो बल्ला उसके हाथ में होता है, मैं बता रहा हूँ. एक्चुअली एक तो आउट हो रहा है, ऊपर से उसको बोले वो बैट मुंह पे मार के जाएगा वो. और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर. हेलो अर्चना मैम. हेलो एवरीबॉडी. माय नेम इज राम्या, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़. मैं दीपक सर से बात करना चाहती हूँ. हाँ जी, बात. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से यू लुकिंग रियली हैंडसम टुडे. आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू, अभी हाल ही में सीरीज में आपने 23 विकेट्स ली, विच इज अ वेरी बिग डील एवरीबॉडी. थैंक यू. तो 23 नहीं, 22 लिए इन्होंने. अरे पर एक विकेट मेरा भी डाउन हो गया. तो बस कुछ नहीं, मुझे यही पूछना था कि सर शाम को क्या कर रहे हैं? शाम को सर फ्लाइट पकड़ रहे हैं. फ्लाइट है मेरी 7:55 की. ये आइडिया दिया आपने उनको कि मेरे पास टाइम है. राम्या क्या करती हो आप, पढ़ाई करती हो अभी आप? सर मैं मुंबई अपनी फैशन डिजाइन इंटर्नशिप के लिए आई हूँ फॉर 1 मंथ. मालती. लड़की काम भी कर रही है. अच्छा, तो मालती से मिल लेना आप, तो जैसा भी ठीक लगे हमको खाली बुला लेना शादी पे. ठीक है, शुक्रिया राम्या. थैंक यू. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल. हाय एंड हेलो एवरीवन. माय क्वेश्चन इज फॉर सूर्य कुमार जी. सूर्य सर, मुझे पता चला है कि आपने बाजीगर फिल्म बहुत बार देखी है, और वैसे ही मैं भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वो तो पता नहीं कब हाथ आएंगे. क्या आप मेरे साथ बाजीगर फिल्म के सॉन्ग पे डांस करेंगे? सही बात, बाजीगर बहुत बार देखी है. देखिए बहुत बार, साफ सुथरी क्लियर पिक्चर है, समझ नहीं आई कितनी बार क्यों देखी. एंड इफ पॉसिबल वो आउटफिट हो सकता है अरेंज? या व्हाई नॉट, आई विल अरेंज एवरीथिंग. आई विल अरेंज काजोल ऑल्सो. डिमांड बढ़ती जा रही है, प्यार है आप लोगों का. आपने नाम ही नहीं बताया अपना. यशा. हाँ जी. हेलो, क्या नाम है आपका? यशा. यशा. या. यशा. Hello. बड़ा प्यारा नाम है आपका यशा. चलो आउटफिट भी रेडी है. ये क्या है? ओ वाह वाह, ये पहन के तो बाबूराव वाला भी कर सकता है. लो जी, आज सूर्य कुमार आपको ऐसे दिखना भी तो चाहिए. इसको बांधते कैसे हैं? आगे तनी बांधे ऐसे ऐसे. नहीं ये तो खाना बनवा रहे हैं. सॉरी, अरे दिख रहा ही दिख रहा है इसको. वाओ सूर्य, यू लुकिंग डैशिंग मैन. वो क्या बोल रही है, शाहरुख नहीं पहनता इसे. अरे मुझे आ रही हूँ, टाई कैसे करते हैं? अब वो हैट भी पहनना है. इसमें बताओ कौन सा बाजीगर लग रहा हूँ मैं.
बस जादूगर लग रहा ओके तो शाहरुख खान कम बाबूराव ज्यादा लग रहा सुबह पर शाहरुख की तरह ये तो मैं कैसे भाग क्या हूँ आपको जी Thank you. इतने तो कुछ दिख भी नहीं रहा. Thank you. सूर्य के लिए जोरदार तालियां. Thank you ऐशा. शुक्रिया. ये उतार दीजिए. Thank you ऐशा. Thank you. Thank you. Hello जी. Namaste. मैं एक बात बोलूं. हाँ. मेरे को इतने क्यूट लग रहे हैं ना पार्थिव जी तमे हूँ कौचे के तमे बद्दू क्यूटनेस एक ही जगह में बैठे हुए हैं ओह माय गॉड मतलब आप क्रिकेट की दुनिया के तैमूर हो अभी भी ऐसे इतने सच में बड़े हो गए हो लेकिन फेस आपका एकदम इतने छोटे से बच्चे जैसा है जिसको ना देखते ही मेरा दिल कर रहा आजा मम्मा पास लेकिन आपको एक बात बोलूं अभी भी इतने क्यूट लग रहे हो ऐसे लग रहा है कि नानी माँ के घर ना छुट्टियां बिताने आए लेकिन ग्राउंड में जाते ना बड़े बड़े को नानी याद दिलाते ये वो तो ठीक है नानी दादी मुझे कुछ नहीं लेकिन ना देवर जी मेरे को ना दाल में कुछ काला लग रहा है क्यों पहले 83 वर्ल्ड कप वाले आए फिर ना विमेन क्रिकेट टीम वाले आ गए अब ये आए मेरे को लग रहा है सिद्धू पाजी भेज रहे हैं कि जाके देखो सब ठीक चल रहा है कि नहीं तो तुझे क्या लगता है क्रिकेट छोड़ के ये सब करने आएंगे सिद्धू पाजी के कहने पे करोड़ों की बोली लगती है जब खेलते तो बोली करोड़ों की होती है हाँ तो मैंने ऐसे इतनी बोलियां वेस्ट कर दी लाइए दीपक जी 1 करोड़ रुपया दे दो मुझे एक तो ना ये पता नहीं क्या इनको बीमारी बड़ी सब के सब ग्रस्त से 1-1 करोड़ मांगते हैं ये लॉलीपॉप है ये लॉलीपॉप नहीं 1 करोड़ मैं बस दीपक की शादी करवा दूं ये बंदा मुझे खुद ही करोड़ों रुपया दे देगा तो दीपक का रिश्ता आप क्यों कराओगी भाभी वो मेरे से ना इस बंदे का अकेलापन नहीं देखा जाता मैं इसकी बहन का साथ दूंगी आप टेंशन मत लो मैं आ गई हूँ मैंने देखा है जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो ऐसे फ्लाइंग किस फेंकता है अनुष्का ऐसे कैच कर लेती है ये भी सेंचुरी मारते हैं ये फ्लाइंग किस ऐसे फेंकते हैं इनकी कहीं लैंड ही नहीं होती तो मैं चाहती हूँ दीपक जी वो जो आपकी फ्लाइंग किस है ना वो मेरी बहन भूरी उसके हाथों में कैच हो भूरी के लिए लड़का नहीं कोई अच्छा डॉक्टर देखो तुम लोग देवर जी एज ए भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जब दोनों टीम मैच खेलने के लिए तैयार हो ना तो डकवर्थ लुईस नहीं बनते वाह तो दीपक जी फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं हाँ कहती लड़के ने बताई फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़